केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी सरकार के 2003 से 2023 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेहद मेहनती कहते हुए स्पीच की शुरुआत की। कहा कि हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्य में पहुंचाने का प्रयास किया। कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो आपकी 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया, इसका हिसाब दीजिए। आंकड़े लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आइए। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि ये पार्टी का काम है, पार्टी को काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति मिली। और साथ असाइनमेंट है, चेतन सेठ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, मध्य प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और कांग्रेस को चुनौती गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है, कैसे देख रहे हैं अमित शाह की इस यात्रा को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमित शाह आज भोपाल पहुंचे थे और सरकार के जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसको पेश किया है, तो जिस तरीके से जो योजनाएं थी 20 साल की शिवराज सरकार की, उन योजनाओं का खूब बखान किया। लेकिन विपक्ष इस पर तमाम जो है सवाली निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि अमित शाह ने जो जनहित ऐसी योजना की बात, ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, लंबे समय से जो योजनाएं चला रही है, साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी खूब बखान किया, और राज्य सरकार की जनहित ऐसी योजना, किसान कल्याण निधि योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की तमाम योजनाओं को बखान करते हुए, क्योंकि 2023 के चुनाव के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण था। आज कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही है, 15 साल के जो सीएम है, 15 साल इन्हें सरकार में रहे हैं, 4 बार में प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें एक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह का रिपोर्ट कार्ड पहली बार पेश हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार का जो है रिपोर्ट कार्ड अपना पेश कर रहा हो और उसमें केंद्रीय मंत्री आए हों, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष जरूर आरोप लगा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है और 230 विधायक जो बाहरी राज्यों के मध्य प्रदेश में आए हैं, एक 33 पेज की पूरी बुकलेट है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनका बखान किया गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को एक अमित शाह ने टास्क दिया है कि केंद्र के जो नेता हैं और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो सभी संभाग में जाएंगे और जनताओं के बीच, लोगों के बीच पहुंचेंगे, और जो सरकार के 33 पेज का जो बुकलेट है जो आज बखान किया योजना का, वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका चेतन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।